अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हो रहा है वीडियो लोग, तो यार आज की वीडियो जो है उसमें आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम लोग एक एरर आ रहा था, सबको आ रहा था, ठीक है। तो काफी ज्यादा लोग मुझे बोल रहे थे कि यार इस चीज पे वीडियो बनाओ, किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो जो लोग इंस्टाग्राम पर थे उनको मैंने बता दिया कि यार ये वाली कमांड दो, आपका सेट हो जाएगा सीन। लेकिन फिर मैंने सोचा कि काफी ज्यादा लोग पूछ रहे हैं तो क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दी जाए। तो वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा जितने भी लोग टर्मस का यूज करते हैं, जैसे ही आप कोई ना कोई चीज स्टार्ट करते हैं टर्मस पर, तो आपको कौन से तीन पैकेज है उसको आपको डेफिनेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। वीडियो करने से पहले अगर आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ये चैनल क्या है, तो यार यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ काफी ज्यादा वीडियोस, क्योंकि ये चैनल जो है मैंने न्यू बनाया था। पहला चैनल जो है 15K सब्सक्राइबर्स के साथ मेरा टर्मिनेट कर दिया YouTube ने, क्योंकि उस पर जो है कंटेंट थोड़ा सा YouTube को अच्छा नहीं लगा। अब आप समझ गए हो कैसा कंटेंट होगा। अब वो बाकी का जितना भी कंटेंट था वो मैंने सारा उठाकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट करना। वहां पर आपको मिलेगी प्रैक्टिकल वीडियोस, समझ रहे हो प्रैक्टिकल वीडियोस, कौन सी वाली प्रैक्टिकल वीडियोस, मजा आएगा, विजिट जरूर करना। ओके, सो आज की वीडियो को स्टार्ट करना है। यहां पर मैं टर्मस ऐप को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको एरर बता देता हूँ कौन सा एरर है। हो सकता है आपको परमिशन डिनाइड का इससे पता ना चले, तो मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ कि कौन सा एरर है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से मैं डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। कोई भी फाइल है, कुछ भी है, वो मैं वहाँ पर सेव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आपको पता है कि कौन सी कमांड देते हैं, मूव की देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर मूव की देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल रीडमी वाली जो फाइल है उसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर इसे मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, नीचे लाकर इसे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद स्पेस देता हूं, उसके बाद /SD कार्ड, ठीक है। याद रहे कि टर्मक्स में SD कार्ड का मतलब आपके एंड्रॉयड की इंटरनल स्टोरेज ही होता है। ओके, सो यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास कुछ इस तरह का एरर आता होगा, परमिशन डिनाइड का। अब ये एरर क्यों आता है, इसके पीछे की रीजन क्या है? तो यार देखो, अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन तो आपको पता है कि सिक्योर होता ही है, लेकिन अब एंड्रॉयड जितने भी वर्जन आ रहे हैं वो भी काफी ज्यादा जो है वो सिक्योर हैं। तो जब टर्मक्स एक्सेस लेता है कोई भी चीज आपके एंड्रॉयड के इंटरनल स्टोरेज में सेव करने की, तो एंड्रॉयड जो है उसे सेव नहीं करने देता है, क्योंकि उसे वो अननोन एप्लीकेशन, अननोन एक्सेस लगती है, तो वो परमिशन डिनाइड बोल देता है टर्मक्स को। तो टर्मक्स जो है वो आपको कुछ इस तरह का एरर देती है। अब इसको फिक्स कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है वो एक कमांड देनी है ताकि आपकी स्टोरेज जो है उस तक एक्सेस टर्मक्स की हो जाए। तो आपको यहाँ पे लिखना है टर्मक्स, उसके बाद माइनस सेटअप, के बाद फिर से माइनस, और उसके बाद स्टोरेज। ये लिखने के बाद आपने जैसे यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि एक पॉपअप जो है ओपन आए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर आ गया है कि अलाउ करें एक्सेस जो है यहाँ पर गैलरी के, मुझसे टर्मक्स ले रही है। तो आपने सिंपली जो है इसे अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ कर दोगे, अलाउ करने के बाद अगर मैं अब अगेन वही चीज़ जो मैंने ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कमांड दी थी, तो यहाँ पर ये वाली फाइल जो है वो सेव नहीं हो रही थी मेरे इंटरनल स्टोरेज में। मैं वापस इसी वाली कमांड को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ओके, सो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे लाकर मैंने उसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर इसे एंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास कोई भी परमिशन डिनाइड का एरर नहीं आया, और सक्सेसफुली जो है ये वाली फाइल जो है वो मेरे मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में ऐड भी हो चुकी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि readme.md वाली फाइल जो है वो हमारे पास आ चुकी है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। और अगर आप टर्मक्स पर और भी वीडियोस चाहते हो तो आपने क्या करना है, आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा पहला चैनल जो है वो डिलीट हो चुका है। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, चैनल डिलीट हो गया है भाई लोग, तो इसे ही आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको वीडियोस कुछ चाहिए और मतलब कुछ प्रैक्टिकली चाहते हो आप लोग, तो मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करना। मैं यहाँ पर कुछ डिटेल में बता नहीं सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन आप देख लेना emasimtech.com, डायरेक्ट गूगल पर लिखोगे तब भी आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, अगर पहले से नहीं किया हुआ तो यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।